का फ्रेंड्स आज मैं देखिए फिर से केकसा की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। उसको मैं काट चुकी हूँ, अच्छे से धो चुकी हूँ। उसको अब मैं फ्राई कर लूँगी। पहले कढ़ाई में मैं तेल दे चुकी हूँ, अब इसमें जो काट के रखे उसको डाल दूँगी। उसको ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। देखिए मेरे मसाले में क्या क्या, हल्दी, नमक, जीरा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक जो मैं एक लहसुन जो मैं काट चुकी हूँ, अदरक एक इंच, एक बड़े साइज का प्याज, एक बड़े साइज का टमाटर, और इसमें ली हूँ दालचीनी, दो लौंग, दो इलायची। इसको जो मुझे पीसना है, ये सब तेल में देना है, अदरक और इसे पीसना है। इतना पीसना है प्याज, लहसुन, टमाटो मुझे तेल में देने के लिए है। इलायची, दालचीनी और अदरक को मैं पीस लूँगी अच्छे से। अगर आपके पास धनिया जीरा खड़े हैं, कूटे हुए नहीं हैं, तब खड़े मसाले पीस सकते हैं। एक साथ फ्राई हो चुका है, इसको मैं निकाल लूँ। लहसुन काट के डाल दूँगी। देखिए मैंने प्याज और लहसुन दोनों डाल चुके हैं, उसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी पहले। ये दालचीनी और अदरक का पिसा हुआ पेस्ट है, इसमें मैं मसाले डालूँगी। जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर इसमें डाल दूँगी। देखिए इसे मैं तैयार कर चुकी हूँ। मेरा प्याज और लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है, मिर्च काट करके उसको भी डाल दूँगी। तैयार की हूँ, उसको डाल दूँगी। टमेटो कट कर रखी थी उसको भी डालते। आधा मिर्च नमक, देखिए टमेटो अच्छे से पक चुका है। जो मैं खेक्सा फ्राई कर करके उसको डाल दूंगी। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है मसाले के साथ खेत से। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। अब इसको मैं थोड़ी देर पकने दूंगी। देखिए खेक्सा की सब्जी बन चुकी है। गैस को ऑफ कर दूंगी। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसे बना है। बाय बाय मिलते हैं अगले वीडियो में।